टाटा स्टील मैनेजमेंट का बड़ा फैसला, कंपनी कर्मचारियों के बीच हड़कंप का माहौल। कंपनी में नहीं होगी अब नए कर्मचारियों की बहाली। टाटा के बड़े अस्पताल टीएमएच में भी उठा पटक का दौर जारी। टाटा 1MG करेगा अस्पताल के कामकाज में हस्तक्षेप। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में कंपनी मैनेजमेंट ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। कंपनी एक तरफ तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है, तो दूसरी तरफ अब खबर आ रही है कि कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में भी कटौती की जाएगी। इस खबर के सामने आते ही कंपनी के कर्मचारियों के साथ साथ उन लोगों के बीच भी सनसनी फैल गई है जो टाटा स्टील में नौकरी करने का सपना देख रहे थे। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि अगर कंपनी बहाली नहीं करेगी तो कंपनी के प्रोडक्शन का क्या होगा। तो इस बात का जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल कंपनी ने मैन पावर का जिम्मा अब थर्ड पार्टी के हाथों में सौंपने का फैसला कर दिया है। वर्तमान में कर्मचारियों की संख्या करीब 11,000 है। टाटा स्टील में दो अलग नई कंपनियां बनाई जा चुकी हैं, जिसके माध्यम से मैन पावर को बहाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी ने अब कॉमन ग्रेड स्ट्रक्चर भी लागू कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब कंपनी में सभी कर्मचारियों को एक ही ग्रेड की सुविधा और एक ही ग्रेड का ट्रीटमेंट दिया जाए। करों की माने तो दूसरे शहरों में टाटा स्टील के प्लांट में पहले से ही कर्मचारियों को इसी तरह से बहाल किया जाता था, लेकिन जमशेदपुर से टाटा की शुरुआत होने के कारण यहां के कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं दी जाती थी, जिसे अब कंपनी खत्म करने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दो थर्ड पार्टी कंपनियों के माध्यम से बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टाटा स्टील में अब ट्रेड अप्रेंटिस की बहाली भी सीधे तौर पर टाटा स्टील में नहीं होगी, बल्कि उनकी बहाली दूसरी कंपनियों में होगी। इसको लेकर पहले ही समझौता में सहमति बन गई थी, लेकिन कंपनी यूनियन के चुनाव के ठीक पहले यूनियन के फेस सेविंग को लेकर वन टाइम के लिए ट्रेड अप्रेंटिस की बहाली निकाल दी गई है। लेकिन अब नई बहाली टाटा स्टील में सीधे तौर पर नहीं होगी, बल्कि सबकी बहाली दूसरी कंपनियों में होगी। दूसरी तरफ टाटा ट्रस्ट की तरफ से चलाई जाने वाले अस्पताल टीएमएच यानी कि टाटा मेन अस्पताल में अधिकांश आउटसोर्स कर्मचारियों को दूसरी कंपनियों में रख लिया गया है। वहीं टाटा स्टील में दवाइयों से संबंधित सारे कामकाज को अब टाटा समूह की दूसरी कंपनी टाटा 1MG को दिया जा रहा है। इससे मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर फार्मेसी विभाग का लगभग सफाया हो जाएगा। कई काम आउटसोर्स हो जाएंगे। टाटा स्टील की नई कंपनियों के कर्मचारियों को टाटा स्टील के भीतर ही काम कराया जाएगा। ऐसे में टाटा स्टील में अब अस्थायी कर्मचारियों की संख्या घटती चली जाएगी, यानी अब कर्मचारियों को पहले की तरह सुविधाएं नहीं मिलने वाली है। हालांकि मीडिया के सामने कंपनी मैनेजमेंट द्वारा अब तक इस मामले में अपना पक्ष नहीं रखा गया है, लेकिन इतना तो साफ है कि टाटा वर्कर्स यूनियन के सामने इस मामले को लेकर बड़ी चुनौती आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जमशेदपुर।